हेलो एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल विद आशीष। स्वागत है आपका गेट सीरीज 9 में। अब हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को आगे बढ़ाएंगे और उसके नंबर 12 प्रॉब्लम पे देखेंगे, ठीक है। तो 12 प्रॉब्लम क्या कह रहा है, द फंक्शन y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 - 3x, ठीक है। चार ऑप्शन है हमारे पास। इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर्स एंड डिफरेंशियबल फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर्स। मतलब x का किसी भी रियल वैल्यू पे ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों होगा, ठीक है। बी क्या कह रहा है, इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल बिलोंग टू रियल नंबर्स एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल बिलोंग टू रियल नंबर्स एक्सेप्ट एट 3/2। 3/2 पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। सी क्या कह रहा है, इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल बिलोंग टू रियल नंबर्स एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल बिलोंग टू रियल नंबर्स एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 2/3, ठीक है। 2/3 पे ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल नहीं होगा। या फिर डी, इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर्स एक्सेप्ट x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 पे ये कंटिन्यूअस नहीं होगा और डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर्स। बाकी सारे पॉइंट्स पे, सारे रियल नंबर पॉइंट्स पे x फंक्शन का वैल्यू डिफरेंशिएबल होगा। तो ये गेट 2010 में आया हुआ 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इन सॉल्यूशन वी हैव y इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 - 3x इज इक्वल टू 2 - 3x, वे y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इक्वल टू 3x - 2, वे y इज लेस देन 0। हम लोग जानते हैं मॉड ऑफ एनी फंक्शन, एनी एक वैल्यू, लाइक फॉर एग्जांपल मॉड x इज इक्वल टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इक्वल टू -x व्हेन x इज लेस देन 0। तो उसी को यहां पे यूज किया गया है। 2 - 3x 2 - 3x हो जाएगा और व्हेन y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 3x - 2 हो जाएगा जब y इज लेस देन 0। देयरफॉर वी कैन राइट y इज इक्वल टू 2 - 3x व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 2/3 एंड इज इक्वल टू 3x - 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन 2/3, ठीक है। सिंस 2 - 3x एंड 3x - 2 आर पॉलिनोमियल्स, ये दोनों पॉलिनोमियल्स हैं, तो दीज आर कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स, ठीक है। वी हैव टू चेक एट x इक्वल टू 2/3। x इक्वल टू 2/3 पे हम लोग को चेक करना है वेदर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस होगा कि नहीं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2 इज 2 - 3 × 2/3 इज इक्वल टू 0। 2 - 3x था तो 2/3 का वैल्यू पुट कर दिया तो इज इक्वल टू 0 आ रहा है। राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2/3 इज 3x - 2 इज इक्वल टू, वैल्यू पता करना है तो ये 2/3 पुट किया तो यहां पे 0 आ रहा है, ठीक है। अब f ऑफ 2/3, 2/3 पे फंक्शन का क्या वैल्यू होगा, ये भी 0 आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट सारे इक्वल हो गए, ठीक है। तो हम लोग डिड्यूस कर सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एट 2/3, ठीक है। तो y इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर्स। नाउ 2 - 3x एंड 3x - 2 आर पॉलिनोमियल्स, दे आर डिफरेंशिएबल। अब ये दोनों पॉलिनोमियल्स हैं इसलिए इसका डेरिवेटिव आराम से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इसका डिफरेंशिएबल होगा -3, इसका डिफरेंशियल होगा 3, ठीक है। नाउ एट x इक्वल टू 2/3, 2/3 पे लेफ्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू -3, ठीक है, -3 होगा और राइट डेरिवेटिव होगा +3, ठीक है। तो लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव के साइंस अलग हैं तो दोनों इक्वल नहीं है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट x इक्वल टू 2/3। सो वी कैन सी दैट y इज डिफरेंशिएबल फॉर आवर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर्स एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 2/3। 2/3 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। देयरफॉर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन के। सो दिस इज प्रॉब्लम 1। लेट्स मूव ऑन टू प्रॉब्लम नंबर 2 विच इज 13th इन द सीरीज। तो वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ फ्लो फील्ड इज गिवन एज वेक्टर v इज इक्वल टू 2xy इंटू आई माइनस x2z इंटू जेड जे, ठीक है, वेयर आई एंड जे आर यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है यूनिट वेक्टर्स को। तो वर्टिसेस वेक्टर एट 1 1 1 इज व्हाट, वर्टिसेस वेक्टर में कैलकुलेट करना है एट द पॉइंट x इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1, ठीक है। ऑप्शंस क्या है, 4i - j, बी 4i - k, सी i - 4j एंड डी i - 4k, ठीक है। ये गेट 2010 में आया हुआ 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सॉल्यूशन क्या होगा, वेलोसिटी वेक्टर इज गिवन एज वेक्टर v इज इक्वल टू 2xy i - x2z j। तो वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू कर्ल ऑफ वर्टिसेस वेक्टर, कर्ल ऑफ वर्टिसेस वेक्टर। तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज डिफाइंड एज डिफरेंशिएबिलिटी ऑपरेटर,
क्रॉस दैट वेक्टर, डिफरेंशिएबल ऑपरेटर वर्सेस दैट वेक्टर, तो विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ डिटरमिनेंट आई जे और के, जहां पे ये डेल का वैल्यूज हो जाएगा, डेल डेल एक्स, डेल डेल वाई, डेल डेल जेड, और यहां पे 2xy के जगह में 2xy, j के जगह में माइनस एक्स स्क्वायर जेड, और k के जगह में कुछ नहीं है तो जीरो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसे एक्सपैंड कर लेंगे, डिटरमिनेंट्स को एक्सपैंड करना हम लोग सीख चुके हैं, तो इसे एक्सपैंड करेंगे तो ये आएगा मॉड ऑफ डेल डेल वाई ऑफ जीरो माइनस डेल डेल जेड ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर जेड इंटू यूनिट वेक्टर आई माइनस मॉड ऑफ डेल डेल जेड ऑफ जीरो माइनस डेल डेल जेड ऑफ टू एक्स वाई इंटू यूनिट वेक्टर जे प्लस डेल डेल एक्स ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर जेड माइनस डेल डेल वाई ऑफ टू एक्स वाई इंटू यूनिट वेक्टर के। तो इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आई प्लस माइनस टू एक्स जेड माइनस टू एक्स इंटू यूनिट वेक्टर के। अब एट वन वन वन, वन 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 को हम लोग सिंपली पुट कर देंगे इसमें, तो वर्टिसेस वेक्टर हमें निकालना था, वर्टिसेस वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स की जगह में वन पुट किया तो वन स्क्वायर आई हो जाएगा विच इज आई, ठीक है। और वाई, वाई का तो यहाँ पे कुछ यूज नहीं है, तो जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा वन, तो माइनस टू इंटू वन इंटू वन माइनस टू, माइनस टू इंटू वन माइनस टू, सो दिस विल बी माइनस फोर, ठीक है। तो माइनस फोर के आएगा, तो यूनिट वेक्टर आई माइनस फोर के, देयरफॉर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब हम लोगों ने कुछ ऐसे टर्म्स इसमें देखे हैं जो कि हमें नए लगते हैं या फिर उसकी रिविजन हम लोग कर लेते हैं, तो लेट्स सी क्या है वो टर्म्स। फंक्शन, फंक्शन बेसिकली डिफाइन करता है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स और वाई, अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं और वाई जो है वो एक्स का फंक्शन है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया मैंने, टू माइनस थ्री एक्स का मॉड, ठीक है। वट इज कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी फंक्शन डज नॉट हैव एनी एब्रप्ट चेंजेस इन वैल्यू, कंटिन्यूअसली कोई भी फंक्शन है जिसमें एब्रप्टली कोई चेंज नहीं, अचानक से कोई बड़ा चेंज नहीं आ रहा है, तो उसे कंटिन्यूटी कहते हैं। डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है, व्हेन द फंक्शंस डिफरेंशिएशन इज पॉसिबल एट अ पॉइंट, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि वो फंक्शन डिफरेंशियबल है, ठीक है। और पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स बेसिकली एक्सप्रेशंस होते हैं जिनमें वेरिएबल्स और कोएफिशिएंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्स जो है वो वेरिएबल है और टू और माइनस थ्री जो है ये दोनों कोएफिशिएंट्स है, ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है, तो उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस रहते हैं। लिमिट, लिमिट क्या होता है, लिमिट इज अ वैल्यू दैट अ फंक्शन अप्रोचेस एज इनपुट अप्रोचेस सम वैल्यू, सपोज एक्स इक्वल टू टू बाई थ्री पे हम लोगों ने चेक किया था तो उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट था, तो वो बेसिकली लिमिट का वो होता है, जब एक्स पर्टिकुलर कोई वैल्यू अप्रोच करता है तो फंक्शन किसी वैल्यू को अप्रोच करेगा तो वो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, ठीक है। वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, ठीक है, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो दिस इज वेलोसिटी। व्हाट इज वेक्टर, वेक्टर ये भी हम लोग पहले से जानते हैं, एन ऑब्जेक्ट विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। फ्लो फील्ड, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेंसिटी एंड वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड ओवर स्पेस एंड टाइम, फ्लो फील्ड बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन होता है डेंसिटी और वेलोसिटी ऑफ ए फ्लूइड ओवर स्पेस एंड टाइम। वर्टिसेस वेक्टर क्या होता है, इट प्रोवाइड्स अ लोकल मेजर ऑफ द इंस्टेंटेनियस रोटेशन ऑफ अ फ्लूइड पार्सल, इंस्टेंटेनियस रोटेशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट पे एट अ पर्टिकुलर टाइम पे उसका रोटेशन क्या होगा वो वर्टिसेस वेक्टर डिफाइन करता है। कर्ल, कर्ल हम लोगों ने देखा, कर्ल इज बेसिकली वेक्टर ऑपरेटर एंड डिस्क्राइब्स इनफिनिटेसिमल रोटेशन ऑफ अ वेक्टर फील्ड इन 3D यूक्लिडियन स्पेस। इनफिनिटेसिमल क्यों, वहां पे हम लोगों ने यूनिट्स वेक्टर लिए थे, ठीक है, इसलिए इनफिनिटेसिमल रोटेशन, वेरी स्मॉल रोटेशन, एज स्मॉल एज यू कैन पॉसिबली इमेजिन, सो दिस इज व्हाट इज कर्ल, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यस देन डू हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, इफ यू हैव एनी क्वेरी और सजेशंस देन डू कॉमेंट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू इलेक्ट्रिकल विद आशीष, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।